नमस्ते बच्चों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लिखना सिखाऊंगी लेटर आई। इसे बोलते हैं आई। तो एक क्विक रिवीजन जो हमने सीखा है, अ पहला स्वर है, हिंदी का आता है अ, अ के बाद आता है आ, फिर ई, ई, उ, उ, रु, ए, आई, ए, आई। तो बच्चे कैसे लिखते सिखाते हैं पहले बच्चों, ये आपके थ्री लाइन्स जो आप नोटबुक में लिखते हो, ये है थ्री लाइन्स। आपने कल ये सीखा है लिखना, पहले वही लिखो बच्चों। ये कैसे लिखते हैं, स्टैंडिंग लाइन, सेकेंड लाइन को टच करना है, थर्ड लाइन तक जाना नहीं है, फिर स्लांटिंग थोड़ा सा कर, फिर यहाँ जे लिखते हैं वैसे करना है, ये है ए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको स्लांटिंग लाइन बनाएंगे, देखो बच्चों, और स्लीपिंग लाइन, ये है आई। आप पहले ड्रॉ करके लाइन बाद में बना सकते हो, या फिर लाइन बना के बाद में ये करोगे तो भी चलेगा। देखो बच्चों, और एक बार हो गया ए, फिर इसके बाद एक मात्रा बनाओगे तो हो जाएगा आई, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे करके पहले एक मात्रा बना के बाद में सेकंड लाइन भी बना सकते हो, बहुत आर करेक्ट, ठीक है। आई से आता है ऐनक, ऐनक मतलब चश्मा, जो दादाजी पहनते हैं, पापा पहनते हैं, मम्मी पहनती है। अगर आप ज्यादा टीवी देखोगे, मोबाइल देखोगे, तो आपको भी चश्मा आ जाएगा, उसे कहते हैं आई से ऐनक। देखो बच्चों, पिक्चर कैसे बनानी है, स्क्वायर बनाना आता है ना आपको, दो स्क्वायर बनाओ, दो स्क्वायर को जॉइन करो, फिर यहां से एक स्लैंटिंग लाइन बनाओ, टर्न यहां से, ये हो गया ऐसे एंगल। अगर आप चाहो तो इसमें आप आंखें भी बना सकते हो, आंखों के ऊपर चश्मा, चश्मा को कहते हैं आईना, ठीक है। अब मैं आपको बुक में और नोटबुक में कैसे लिखते हैं सिखाऊंगी, तो चलो बच्चों लिखते हैं। बच्चों अपनी हिंदी की बुक निकालो, हिंदी शब्द चित्र, पेज नंबर 11, शीट नंबर 11, ये है आई। तो आई से हम पढ़ेंगे, उससे पहले क्या करेंगे बच्चों, हाँ ट्रेसिंग, आई आई कितने बार करोगे, हाँ 5 times, 5 बार, आई आई आई, करेक्ट। इसके बाद हम पढ़ेंगे शब्द, आई से ऐनक, आई से ऐनक, आई से ऐरावत, आई से ऐरावत, आई से ऐलान, आई से ऐलान, ऐलान मीन्स अनाउंसमेंट, अभी स्कूल में वगैरह बाहर वगैरह अनाउंसमेंट करते हैं ना, उसे ऐलान कहते हैं, ठीक है। तो अभी करेंगे ट्रेसिंग, पहले उंगली से आई लिखो बच्चों यहाँ पे, यस, अभी पेंसिल से ट्रेसिंग करो डॉटेड लाइन्स पे, जितने डॉट्स हैं उतना ही ट्रेसिंग करना है, हर तरफ आई 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 नहीं लिखना, ये फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे डॉट्स जितने हैं उतना ही आपको ट्रेसिंग करना है, धीरे धीरे अच्छे से करना है। ये देखो यहाँ पे इन्होंने पहले स्लीपिंग लाइन बनाया है, फिर बाद में मात्रा लगाई, ये मात्रा जो है यहीं से स्टार्ट होगा बच्चों, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करके बीच में, ये बीच में किया है तो रॉन्ग, ऐसे नहीं करना है, और यहाँ से रॉन्ग, ये जो सेकेंड लाइन है ना इसके ऊपर से मात्रा जाएगी, ये जो सेकेंड लाइन है इसके ऊपर से ही ये मात्रा जाएगी, ये करेक्ट है। तो चलो नोटबुक में लिखते हैं अभी बच्चों, सभी अपनी थ्री लाइन नोटबुक निकालो, देखो से एंड राइट आई, आई से कौन सा चित्र बनाएंगे हम, मैंने क्या सिखाया है ऐनक, दो स्क्वायर बनाओ, जॉइन करो, स्लैंटिंग लाइन कर, थोड़ा दो स्लैंटिंग लाइंस, और यहाँ पे आंखें, आप चाहो तो इसको कलर भी कर सकते हो।
ऐसे चार बार आई लिखना है, एक लाइन छोड़ना है बच्चों। फुल पेज अगर लिखोगे तो मैं उसे मार्क्स नहीं दूंगी, स्टार नहीं दूंगी, एक लाइन छोड़ के ही लिखना है। पेरेंट्स प्लीज़ बच्चों को गाइड कीजिए कि वो एक लाइन छोड़ के ही लिखें, अननेसेसरीली पूरा पेज भर के गंदा लिखने में कोई पॉइंट नहीं है। तो प्लीज़ अच्छे से थोड़ा ही लिखिए, अच्छा लिखिए, ठीक है बच्चों। ये देखो बच्चों, आई से ऐनक, आई से ऐरावत, आई से ऐलान, इस तरह लिखना है। इस तरह ये पेज आपको कंप्लीट करना है बच्चों, ठीक है। धन्यवाद।